तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार आपको पता है जब भी कोई सस्ते वाला फ़ोन लॉन्च होता है तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि सस्ते में बेटर फीचर्स मिलने का मज़ा कुछ अलग ही है। ऐसे तो महंगा फ़ोन में बेहतर फीचर्स हमें मिल जाता है, बट सस्ते फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त होता है क्योंकि कम प्राइस में हमें मिल जाता है। तो गाइस एक सस्ता वाला फ़ोन जो है वो आज लॉन्च हुआ है काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ और प्राइस बहुत कम है। तो आज इस वीडियो में इस मोबाइल के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिए, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए यार। वैसे यार मैं आपको बता दूं, इंडिया में ना मोटो की तरफ से एक धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, मोटो G9 पावर। काफ़ी अच्छा फ़ोन है यार। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो गाइस आज जो फ़ोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये आईटेल की तरफ से है, आईटेल विजन 1 प्रो है। इंडिया पर लॉन्च हुआ है आईटेल विजन 1 का 2 फ़ोन और ये उसका अपग्रेडेड वर्सन है क्योंकि ये प्रो वाला वर्सन है। तो ये फ़ोन जो है लुक और डिज़ाइन के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है और आईटेल का फ़ोन लुक और डिज़ाइन के मामले में अच्छा ही होता है अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखेंगे तो। तो फोन का अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगा और बैक साइड में जो पैनल दिया गया है वो प्लास्टिक का है, बट इसका लुक और डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है। एक ग्लासी टाइप आपको मिलेगा और बैक पैनल में आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाएगा, LED लाइट मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और जो इसका स्लिम जो है वो बहुत स्लिम है, देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो लुक और डिज़ाइन के मामले में तो सही है, बट फीचर्स देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में जैसे कि मैं आपको बताया वाटर ड्रॉप नॉच आपको डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक 6.5 इंच का डिस्प्ले रहेगा और ये HD प्लस रेजुलेशन वाला मतलब 720x1640 पिक्सल वाला रेजुलेशन इस मोबाइल में मतलब इस डिस्प्ले में दिया जाएगा। और ये जो डिस्प्ले होगा IPS LCD पैनल होगा। तो गाइस TFT नहीं है, IPS LCD पैनल है, ये एक अच्छी बात है प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो। और ये जो फ़ोन है ये गो एडिशन वाला है, मतलब एंड्रॉयड का गो एडिशन वाला फ़ोन है, तो मोबाइल जो है थोड़ा सा फास्ट चलेगा। तो एंड्रॉयड 10 का गो एडिशन आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी मोबाइल में आपको रैम जो दिया जाएगा वो 2GB का है और 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा। आप लोग पूछेंगे रैम और इंटरनल स्टोरेज कम है, तो गाइस एंड्रॉयड 10 का जो गो एडिशन रहता है उसमें आपको रैम ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि गो एडिशन में ज़्यादा रैम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो इस मोबाइल में जैसे कि मैं आपको बताया रियर कैमरा जो है वो ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल। जी हाँ, प्राइमरी सेंसर 8 मेगापिक्सल रहेगा, बाकी 2 अलग से सेंसर दिया जाएगा और साथ में सिंगल फ्लैश लाइट आपको बैक साइड में यानी रियर में मिल जाएगा। तो इस जगह पे कैमरा क्वालिटी मुझे उतना ज़्यादा खास नहीं लगा। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको जो है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इस मोबाइल में आपको मिल जाएगा। तो इस मोबाइल का बैक कैमरा या फिर सेल्फी कैमरा उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, अगर प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब चल जाएगा। इसके अलावा भी गाइस अगर बात करें बैटरी का, तो इस मोबाइल में एक बड़ा बैटरी दिया गया है 4000 mAh का और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, 5000 mAh का बैटरी होता तो और भी अच्छा होता, बट 4000 mAh का बैटरी इस मोबाइल में दिया गया है। USB टाइप सी का पोर्ट नहीं है इसमें, USB 2.0 का पोर्ट आपको मिलेगा और साथ में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में मिल जाएगा। 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलेगा और मोबाइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको नहीं बताया है जो कि है प्रोसेसर। तो गाइस इस मोबाइल में दिया गया है यूनिसॉक की तरफ से एक नॉर्मल सा क्वेड कोर प्रोसेसर। तो गाइस एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है, मतलब डे टू डे हर एक टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट इसमें आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो एक नॉर्मल सा मोबाइल है और इसका नाम रखा है आईटेल विजन 1 प्रो और ये फ़ोन जो है अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है, किसी भी कंट्री में लॉन्च नहीं हुआ है। बाकी इस मोबाइल का प्राइस भी अभी निकल के नहीं आया ऑफिशियली। मेरे हिसाब से इस मोबाइल का प्राइस जो है 4000 के आसपास या फिर 5000 के अंदर ही होगा तो अच्छा होगा, उससे ऊपर जाएगा तो मार्केट नहीं करेगा इंडिया पे। तो ये था फुल डिटेल्स आईटेल विजन 1 प्रो का। तो गाइस कैसा लगा मोबाइल, प्राइस कितना होना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अब टाइम है शॉर्ट आउट का, तो जो लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छा अच्छा कॉमेंट किया है उसका शॉर्ट आउट आप देख लीजिए, 3 कॉमेंट में डेली उठाऊंगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका भी कमेंट आए तो आप अच्छे से अच्छे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल पर अगर आप नहीं हैं सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा उसको भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं और कोई नए इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।